दोस्तों बंदर और हाथी यहाँ पे आराम से धूप ले रहे होते हैं और तभी अचानक से यहाँ पे काले बादल आ जाते हैं और बंदर और हाथी ये देखकर थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि गेंडा हाथी को बिजली कड़कने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और ये देखकर हाथी और बंदर दौड़कर जाते हैं और यहाँ से कुछ घास उठा लेते हैं और गेंडा हाथी के पास ले आते हैं और बंदर थोड़ा सा घास लेकर गेंडा हाथी के कानों में लगा देता है ताकि उसको बिजली कड़कने की आवाज न सुनाई दे और तभी जोर से बिजली कड़कती है लेकिन गेंडा हाथी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और गेंडा हाथी इस घास को निकाल देता है लेकिन तभी बंदर फिर से गेंडा हाथी के कानों में घास भर देता है और गेंडा हाथी घास को फिर से निकाल देता है और बंदर फिर से गेंडा हाथी के कानों में घास लगाने जाता है लेकिन तभी बिजली कड़कने लगती है और बिजली की आवाज से गेंडा हाथी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है और हाथी और बंदर भी उसके पीछे भागने लगते हैं और गेंडा हाथी बिजली से बचने के लिए यहाँ पे गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर घुस जाता है और हाथी और बंदर यहाँ पे आकर देखते हैं तो गेंडा हाथी जमीन के अंदर ही अंदर काफी लंबा गड्ढा खोदता हुआ चला जाता है और हाथी गड्ढा खोदते खोदते इस जानवर के घर में ही घुस जाता है और ये देखकर इस जानवर को गुस्सा आता है और ये जोर से चिल्लाने लगता है और इस जानवर की आवाज से सारे काले बादल चले जाते हैं और यहाँ पे फिर से धूप निकल आती है और ये सभी फिर से धूप के मजे लेने लगते हैं।